के अंदर फिल्म चली है आपके कुछ, उसको बिंब कहते हैं। कहानी सुनाऊं आप लोगों को? सुनना चाहेंगे कहानी? सिर्फ कहानी का एक सीन है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, तीन चार वाक्य का एक सीन सुनाते हैं। जैसे ही संजीव सीढ़ियों से उतरा, यही की सीढ़ियों से, रियल बात बता रहा हूं, कहानी नहीं है, रियल स्टोरी बता रहा हूं, रियल इंसिडेंट है। अचानक कोई चीज ऊपर से उसके सिर पर आकर धम से लगी, उसे जोर से चक्कर आया और लगा कि सिर में कुछ गीला गीला सा लग रहा है। उसका कलेजा धक से करने लगा। उसने हाथ लगा के सिर पर टच किया और जैसे ही हाथ देखा तो हाथ एकदम लाल था, खून से भरा हुआ। उसने ऊपर देखा कि कौन है। ऊपर एक व्यक्ति पिस्तौल लेके खड़ा हुआ था और दूसरी गोली चलाने के लिए तैयार था। संजीव जोर से सीढ़ियों पर भागा, वो व्यक्ति पीछे पीछे भागा। संजीव फिसल के सीढ़ियों पर लुढ़कने लगा और हाथ जोड़ के दया की भीख मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे क्यों मारना चाहते हो। पर उस व्यक्ति ने उसकी एक न सुनी और पिस्तौल उसके माथे के पास ले जाके बोला, तुझे इसलिए मार रहा हूं क्योंकि तूने मुझे नोट नहीं दिए थे। अंत में मैंने थोड़ा आसान कर दिया ताकि आप लोग ज्यादा लोड ना ले लें इस बात का। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये मजाक है, रियल रियल कहानी नहीं है, अनरियल है एकदम, है ना, मजाक की बात है। ये कहानी मैंने सुनाई आपको इसलिए कि आपको बिंब मैं बताऊं नहीं बल्कि समझा दूं बिंब क्या होता है। अभी जो मैंने बताया तो दिमाग के अंदर फिल्म चली आपके कुछ, उसको बिंब कहते हैं। साहित्य पढ़ते समय या साहित्य सुनते समय यदि दिमाग के अंदर चित्रों की भाषा चलने लगे, चित्रावली चलने लगे, फिल्म चलने लगे, उसी को बिंब कहते हैं। इसमें एक रोचक बात है, जैसे आप सबके दिमाग में एक संजीव बन गया होगा पर वो संजीव सबके दिमाग में अलग अलग होगा। आप सब ने अपना अपना संजीव खुद ही चुना होगा, है ना, ये मेरे वाला संजीव, ये तेरे वाला संजीव, ऐसे चुन लिया होगा। फिर पिस्तौल कौन सी आपने अपने हिसाब से देखी, सफ़ेद है कि काली आपको पता नहीं, लेकिन आपने किसी ना किसी रंग की पिस्तौल देखी होगी उसमें। अच्छा, गोली सिर के दाईं ओर लगी या बाईं ओर लगी मैंने नहीं बताया, तो आपने कहीं ना कहीं लगाई दी होगी। कहाँ लगी थी, दाईं ओर या बाईं ओर? बीच में, किसी के बीच में लग गई होगी, है ना। तो बिंब का क्या होता है कि ऐसा वर्णन जो चित्र के रूप में दिखने लगे, जितनी चीजें साहित्य में लिखी हैं उतना वैसा ही बनेगा, बाकी जो नहीं बताया उसकी कल्पना पाठक या श्रोता खुद कर लेगा। और इस तरह से हर व्यक्ति के दिमाग में एक फिल्म चलती रहेगी, इसी फिल्म को बोलते हैं चित्र भाषा या बिंब भाषा।